दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम हफ्ते की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों जब हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया का अगर हम एक आंकड़ा देखें तो पूरी दुनिया में इस समय 6 लाख लोग COVID-19 से संक्रमित हैं और 27,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूरोप जो विकसित इलाका माना जाता है पूरी दुनिया का, वहां जिस तरह संक्रमण बढ़ा है वो हैरतअंगेज है। हैरतअंगेज इसलिए है कि आमतौर पे यूरोप के अनेक देशों में जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, जो मेडिकेयर है, वो बेहतर स्थिति में है। अब जैसे इटली का उदाहरण, पूरी दुनिया इसकी चर्चा कर रही है कि इटली जो हेल्थ सिस्टम वहां का है वहां बेहतर है, इसके बावजूद वहां पर सबसे बुरी स्थिति अभी हाल में दिखाई दे रही है। उनके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो अभी भारत में संक्रमण का जो दायरा है उतना नहीं है, और यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके भी जो दूत हैं खासकर COVID-19 पर, उन्होंने हाल के दिनों में एक इंटरव्यू में कहा कि भारत में लॉकडाउन जो हुआ है वो अपनी जगह हो सकता है ठीक, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। उसके एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि ने जो जेनेवा स्थित उसके मुख्यालय में है, उन्होंने बात की यहां के कुछ टेलीविजन चैनलों से, और उन्होंने भी ये बात कही कि इस वक्त भारत के लिए जरूरी है क्योंकि अपेक्षाकृत संक्रमण कम है, मौतों की संख्या कम है। अभी भारत में कुल 19 मौतें हुई हैं अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। संक्रमण का जो दायरा है वो भी सैकड़ों में पहुंच गया है। कुछ एक राज्य जो मार्च के पहले सप्ताह में जहां 4 या 5 या 6 लोग संक्रमित थे, अब वहां पर 50-55 तक लोग पहुंच गए हैं। लेकिन जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हों चाहे वो हमारे देश के हों, कि सिर्फ ये जो लॉकडाउन है, मामला सिर्फ इससे नहीं बनेगा। लॉकडाउन के साथ अगर आप सप्लीमेंट नहीं करते लोगों के टेस्टिंग को, लोगों को आइडेंटिफाई करने को, और आइडेंटिफाई, टेस्टिंग और उनको अस्पतालों में भर्ती करने पर अगर आप जोर नहीं देते हैं तो ये संक्रमण को रोकना मुश्किल है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है अमेरिका और यूरोप नहीं है। अगर ये कम्युनिटी लेवल, बार बार ये शब्द आप सुन रहे होंगे, जिसका मतलब है कि नगर, कस्बा, गांव, मोहल्ला, अगर आम लोगों में ये अगर फैल गया तो ये बेतहाशा बहुत बुरी तरह होगा फैलना इसका। इसलिए उस स्थिति को, उस बुरी स्थिति को जिसकी भयावहता की हम अभी कल्पना तक नहीं कर सकते, उसको रोकने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो मैं समझता हूं लॉकडाउन से ज्यादा जरूरी हैं, उससे कतई कम जरूरी नहीं है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो COVID-19 पर दूत हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के साथ सप्लीमेंट किया जाना चाहिए लोगों को आइडेंटिफाई करने, चिन्हित करने पर, जिनके अंदर संदिग्ध स्थिति है, जिनकी या जो संक्रमित होने की आशंका जिनको बताई जा रही है, और उनको हम कैसे ठीक करें, भारत की सरकार, भारत का समाज कैसे उनको बेहतर करे, ये उस पर आगे बात होनी चाहिए। इसमें सोसाइटी और सरकार दोनों का कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। कई जगह देखा गया है कि लोग अगर कोई संदिग्ध पाया जा रहा है तो उसके खिलाफ तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। गांव में जो लोग पहुंच रहे हैं पंजाब, हरियाणा या दिल्ली की तरफ से, कई ऐसे हमें ऐसी खबरें मिली हैं कि पूर्वांचल में ऐसे भी कुछ गांव हैं जहां गरीब मजदूर पहुंचे हैं तो उनको गांव के बाहर खदेड़ा जा रहा है। ये बहुत ही हॉरिबल है। इस सिचुएशन को अवॉइड किया जाना चाहिए और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को तत्काल, पुलिस को ऐसे गरीब मजदूरों को पीटने, मारने और गिरफ्तार करने के बजाय गांव और उन लोगों के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा होना चाहिए और उनको सीधे ले जाया जाना चाहिए उन जगहों पर जहां उनकी जांच हो सके, उनको स्वस्थ घोषित किया जा सके, या अगर वह स्वस्थ हैं तो आगे की कार्रवाई की जा सके।
जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं आज हम उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे आपका। मेरा ये मानना है जो, और मेरा ये कोई निजी मानना नहीं है, जो मैंने एक्सपर्ट से बात की है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिकमेंडेशंस मैंने पढ़े हैं, उसके आधार पर मैं आपको भारत सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन सबको मेरी हम्बल, मैं भी इस देश का एक आपकी तरह नागरिक हूं, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस त्रासदी से भारत को कैसे उबारा जाए। तो उसके लिए मैं समझता हूं कि जरूरी है कि जो कस्बे हैं, जो छोटे शहर हैं, नगर हैं, और जो गांव हैं, वहां पर जितने नगर पालिकाएं हों, नगर निगम हों, या गांव में पंचायत भवन हैं, स्कूल हैं, इन सबको इस समय एक अस्थाई अस्पताल के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि हमारे यहां पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है, दुनिया में हम 100वें स्थान पर भी नहीं है, हम बहुत नीचे हैं। ऐसी स्थिति में एक एडहाक या एक तदर्थ या एक अस्थायी व्यवस्था करना जरूरी है कि उन सभी लोगों को जो गांव में हैं, जो बाहर से गए हैं, उनकी अगर तलाश होती है, उनको अगर चिन्हित किया जाता है तो उनकी पड़ताल की जाए, और इसके लिए बकायदे वहां बेड लगाए जाए, बकायदे जैसे एक अस्पताल होता है उस तरह से अस्थायी व्यवस्था की जाए। मुझे खुशी है कि कुछ एक हलकों में ये काम हुआ है। हमें केरल जैसा जो एक हेल्थ सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम है पूरे राज्यों में वैसा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति से निपटने के लिए एक अस्थाई व्यवस्था करने की तैयारी भारत सरकार को युद्ध स्तर पर करनी चाहिए, और इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर भारत सरकार के टॉप लेवल को करनी चाहिए जिससे इसको अंजाम दिया जा सके। दूसरी बात जो दोस्तों हमें आपसे आज करनी है वो ये है कि जिस तरह हमारे गरीब मजदूर कारखानों के बंद होने से, फैक्ट्रियों के बंद होने से, छोटे छोटे कारोबार बंद होने से लाखों की संख्या में पलायन कर रहे हैं, वो मैं समझता हूं पलायन की अगर आप बात करें तो पार्टीशन के दौरान जो पलायन हुआ था उससे ज्यादा, अगर कम नहीं तो बहुत ही भयानक है, अभी बहुत भयानक ये पलायन है। और इसमें केवल गरीब हैं, उसमें तो स्थितियां अलग थी, उसमें तो मारकाट भी मची हुई थी, लेकिन यहां तो ये रोजी रोटी और अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन हुआ है, हम इसमें नहीं जाएंगे कि कितनी गलती उसमें हुई, इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, हमने पहले भी कहा है, वो एक तैयारी के साथ नहीं उसका ऐलान हुआ था। जब ऐलान हुआ लोगों को अपनी तैयारी करने का मौका नहीं मिला, जबकि दूसरे कई मुल्कों ने जो लॉकडाउन किया वहां तैयारी करने का मौका तक दिया, इवन दक्षिण अफ्रीका, लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम उसकी आलोचना में नहीं जाएंगे अभी, आज हमें जरूरत है कि कुछ रचनात्मक बातें की जाए, और उसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि राज्य सरकारों ने, जिस जगह पुलिस ने, प्रशासन ने डंडे बरसाए ऐसे मजदूरों पर, अब धीरे धीरे वो पटरी पर आ रही हैं। इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया, सभी लोग इसके लिए मैं समझता हूं कि बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इसको दिखाया, इसको दर्शाया और दबाव बना। इसीलिए एक बेहतर मीडिया हमारे समाज में जरूरी है जो चीजों को सामने रखे और लोगों तक बताए, सरकार तक बताए, शासन तक बताए कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस वक्त भारत सरकार का, राज्य सरकारों का, जिला प्रशासनों का, सबका ये बड़ा कर्तव्य है कि क्योंकि ये लॉकडाउन समाधान नहीं है, ये आपको तैयारी करने का मौका दिया है, ये टाइम मिला है सिर्फ आपको, ये टाइम जो है वो आपको मजबूरी में मिला है क्योंकि भारत के पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी, हमने शुरू में गलतियां की थी, फॉरेन विदेश से आने जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको रोका नहीं था, संक्रमण जब हो गया तब हमें पता चला। तो अभी की स्थिति में सबसे बड़ी जो जरूरत है कि हम कैसे, जो लोग इस वक्त हमारे देश में तबाह हैं, जो परेशान हैं, जो संदिग्ध हैं, जिनके अंदर आशंका है कि वो संक्रमित हो सकते हैं, उनको बचाया जाए, संक्रमण को फैलने से रोका जाए, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी हो सकती है यही, और वो तभी संभव है जब हम अन्य कामों के अलावा इस पर ध्यान दें
और जो सप्लाई है खाने पीने की चीजों की वो नहीं हो पा रही है। तो लॉकडाउन में जो कहा गया था कि सब कुछ आपको उपलब्ध मिलेगा, वो घरों से लोगों को बाजार जाना पड़ रहा है, लोगों को दुकानों के सामने लाइन बनानी पड़ रही है। इन चीजों की परवाह की जानी चाहिए, कैसे एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जैसा चाइना ने वुहान में किया था, मुझे लगता है उससे सबक लिया जाना चाहिए। और अंतिम बात ये कि देखिए, आप रामायण चलाइए, महाभारत चलाइए, लेकिन आज आप लोगों को केवल घरों में कैद कब तक किए रहेंगे? लोगों को आप सबसे जरूरी है कि लोग कैद हैं, बहुत अच्छी बात है, लोगों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, यह मैं भी अपील करता हूं लोगों से, लेकिन उन तक चीजें पहुंचनी चाहिए। और दूसरी बात कि जो लॉकडाउन है, जो आपको अवसर मिला है तैयारी का, उसकी व्यवस्था के लिए आप व्यापक स्तर पर टेस्टिंग, व्यापक स्तर पर नए अस्पतालों का निर्माण, और जब तक निर्माण नहीं होता है तब तक सरकारी भवनों में, स्कूलों में, बाकायदा हर जगह बड़े पैमाने पर अस्पताल खोले जाएं, वहां वार्ड शुरू किए जाएं, डॉक्टरों की तैनाती की जाए, ये व्यवस्था। और मैं समझता हूं कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टरों को इन्वॉल्व किया जाए जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं। केवल आप धार्मिक मनोरंजन से इसको रोक नहीं सकते कि लोग बाहर ना निकलें। मैं समझता हूं कि जो और जरूरी काम है उनको जरूर किया जाना चाहिए, और इसके लिए सरकार को, समाज को खुलकर अपने ओपन माइंड से सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप स्वस्थ रहें, पूरा देश इस तबाही से, इस आपदा से जल्दी उभरे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर विदा लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे। Thank you.